दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे साथ है टाटा नेक्सन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट, और ये जो कलर है ये एक्सक्लूसिव कलर है, ये सिर्फ क्रिएटिव मॉडल में ही मिलेगा। दोस्तों, ये ड्यूल टोन कार रहने वाली है, पेट्रोल कार रहने वाली है और AMT रहने वाली है। तो आज हम इस कार का फुल रिव्यू करने वाले हैं, इसकी प्राइस जानेंगे, फीचर्स जानेंगे और सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र सोनी, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इसकी की से। तो कुछ इस तरह की की दी गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, हेडलैम्प ऑन करने का बटन और बूटन लॉक का बटन। हेडलैम्प मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ, फुली LED आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे वाइट कलर में। बाकी फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे टाटा का बड़ा सा लोगो दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है, उसके नीचे आपको आगे कैमरा मिल जाएगा क्योंकि 360 डिग्री इसमें ऑफर किया गया है। आगे दो सेंसर्स मिल जाएंगे, नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग, नीचे बड़ा सा एडम और वाइट कलर का आपको बम्पर मिल जाएगा। बाकी टोहू की प्लेसिंग यहाँ पे मिलने वाली है। LED DRL की बात करूँ तो आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये LED का काम करने वाले हैं। बाकी उसके नीचे फुल LED आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि वाइट रहने वाले हैं। फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, मैं फिर से एक बार वीडियो में बोलना चाहूँगा। बाकी एक बार वाइपर्स चेक कर ली तो कुछ इस तरह के आपको वाइपर्स मिलने वाले हैं, नॉर्मल वाले वाइपर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का इसका फ्रंट रहने वाला है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। दोस्तों, ये है कुछ गाड़ी का साइड लुक। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। एक बार टायर साइज चेक कर ले, 215/60R16, यानी कि 16 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर्स मिलने वाले हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ज़रा सा चेंज किया गया है, ये जो पैटर्न है ये आपको DRS में भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे भी ये पैटर्न दिया गया है। ये थोड़ा सा प्लास्टिक पार्ट रहने वाला है, बाकी ये फुल्ली एलॉय ही है। जो दूसरे यूट्यूबर बोलते हैं कि ये फेक एलो, नहीं, ये फुल्ली एलो ही रहने वाले हैं। बाकी आगे डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है, यहाँ से शुरू होते हुए पीछे की तरफ जाती है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा एलिमेंट दिया गया है, तो ये काफ़ी कलर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। बाकी ओवरव्यू की बात करूँ तो ये ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा दिया गया है, टर्न इंडिकेटर्स ओवरव्यू दिए गए हैं, और ओवरव्यू ब्लैक कलर के पियानो फिनिश में दिए गए हैं। ऊपर वाइट कलर का रूफ है, ब्लैक ओवरव्यू दिए गए हैं और गाड़ी का कलर है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक कलर की एक जो स्ट्रिप जा रही है, यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक दे रही है। पुरानी नेक्सन में वाइट आती थी। बाकी डोर हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, बॉडी कलर हैंडल रहने वाला है, ऊपर आपको सिल्वर कलर के रूफ रेल्स मिल जाएंगे। ऊपर का रूफ देख ले, पूरा वाइट रहेगा, सनरूफ आपको दिख जाएगी। बाकी यहाँ पे पीछे का देख सकते हैं डोर हैंडल, बॉडी कलर में मिलेगा, 50 लाख कार्स की बैजिंग। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैट फिनिश आपको देखने को मिलेगा। तो यह है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे। ये है गाड़ी का साइड लुक। तो ये है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको सार्फेन एंटेना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाएगा, यहाँ पे वाइट कलर है और यहाँ पे ब्लैक मैट कलर दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलने वाला है। वाइपर आपको यहाँ पे छुपा हुआ मिल जाएगा, तो ऐसा ना समझे कि पीछे वाइपर नहीं है, पीछे वाइपर मिलेगा लेकिन यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे टाटा का बड़ा सा लोगो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन की बैजिंग, उसके नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग और दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। नीचे अगर देखें तो आपको वाइट कलर में बम्पर मिलने वाला है, मड़गड़ मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर मैट कलर की प्लेसिंग दी गई है। हैंडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स दिए गए, इसमें कनेक्टिंग मिलने वाला है। बाकी टर्न इंडिकेटर सिक्वेंशियल मिलेंगे, फुल्ली LED सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पे रिवर्स जो लाइटें मिलने वाली है और आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। तो यह है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। एक बार हम इसका बूट अनलॉक करके देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इसका बूट है, एक बार आप देख ले। 382 लीटर का बूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह का बूट मिलेगा। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 हुक मिलेंगे 3-3 kg के। बाकी यहाँ पे आपको बूट लैंप भी मिल जाएगा। सीट की अगर बात करूँ तो आपको 60-40 स्प्लिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। स्पेयर टायर एक बार देख ले तो यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा, जिसकी साइज रहेगी 195/60R16, यानी कि 16 इंचेस का आपको स्टील व्हील मिलेगा। तो ये बढ़िया चीज़ है कि आपको टायर से छोटी नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे भी आप थोड़ी सी फिनिशिंग देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया फिनिश। यहाँ स्क्रू है लेकिन इसे भी बंद किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग मुझे लगी। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर दिए गए, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे फ्यूल कैप दिया गया है, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है 44 लीटर्स की। तो यह है कुछ साइड की बात, अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर।
यह है गाड़ी का फ्रंट डोर। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ है और यहाँ पे सॉफ्ट टच है, तो ये जो कलर है गाड़ी से मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर है। यहाँ पे वाइट कलर में हैंडल दिया गया है, बाकी डोर हैंडल अनलॉक देख ले, क्रोम का यूज़ यहाँ पे मिलेगा। चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन, यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। उसके नीचे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्विटर की प्लेसिंग और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। बाकी ORM के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। तो यह कुछ गाड़ी का फ्रंट डोर। अभी सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्लाइन, स्लाइडिंग और हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सीट्स की कुशनिंग देख ले, फैब्रिक सीट्स मिलेगी, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगती है टाटा का जो सीटिंग जो होती है वो काफ़ी मुझे पसंद आती है। तो यह है गाड़ी का सीट्स की बात, अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको डी कट 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, जो कि आपको लेदरेट नहीं मिलेगा। इससे ऊपर के मॉडल में आपको लेदरेट मिलेगा। बाकी एक बार इसे हम ऑन कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलने वाला है, तो इसे मैंने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स भी यहाँ पे ऑन हो गए, तो सभी में आपको लाइट्स मिलने वाली है। यहाँ पे सारे ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं। बाकी एक बार स्टीयरिंग देख ले, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी स्टीयरिंग की बात। अभी एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ले, कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन जो फियरलेस मॉडल है उससे थोड़ा सा अलग मिलेगा, तो कुछ इस तरह का आपको ये मिलता है। सारी आपको शो करेगी यहाँ पे हीटिंग, यहाँ पे फ्यूल, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मोड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो आप एक बार मोड्स चेंज करके मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सिटी है, तो ये स्पॉट मोड एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ से आप इसे चेंज कर पाएंगे। ये चेंज करने के लिए है, तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं AC वेंट दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़ यहाँ पे भी लगता है सॉफ्ट टच जैसा, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है। उसके नीचे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, मोबाइल आपका यहाँ पे नहीं आएगा, अगर छोटा है तो आएगा, बाकी बड़ा फ़ोन आपका नहीं आएगा। पैडल्स एक बार देख ले, ऑटोमेटिक AMT कार है, तो आपको यहाँ पे दो ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए दिया गया है, और आपको हुड ओपन करने के लिए वहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे भी ट्विटर की प्लेसिंग एक बार देख ले, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है। सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे 10.25 inches की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि जो फियरलेस मॉडल है उससे थोड़ी अलग है। फियरलेस मॉडल में आपको पूरी डिस्प्ले मिलती है, मतलब इतना जो आपको यहाँ पे मिलता है गैप ये नहीं मिलेगा। और इसका जो UI है वो थोड़ा सा चेंज है, तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह का आपको UI मिलने वाला है। इसका टच रिस्पॉन्स देख ले, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, देखिए आप देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे नीचे AC वेंट्स दिए गए दो, एक वहाँ पे है, और यहाँ पे भी थोड़ी सी टेक्सचर, ये कलर गाड़ी के कलर से मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट है। बाकी उसके नीचे सारे टच के कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया, तो एक बार मैं इसे ऑन करके आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। ये अभी शोरूम के अंदर है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए, एक बार आपको 360 डिग्री ओपन करके दिखा दूँ ऑन करके, तो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलने वाली है। ये जो दो लोग आप देख रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी एक बार पूरा व्यू देख ले, पीछे की साइड वगैरह, ये दो लोग आगे खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका व्यू मिलने वाला है। तो इसे एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे चार्जर्स वगैरह दिए गए, टाइप सी USB चार्जर और 12 वोल्ट का चार्जर आपको दिया गया है। आप यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो आप बड़ा सामान रख पाएंगे, छोटा नहीं रख पाएंगे, हालांकि यहाँ रखेंगे तो फिर उसमें चला जाएगा। इसका मोनो शिफ्टर जो गियर नॉब है, जो नया टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसकी मतलब लुक गाड़ी का काफ़ी अंदर का फील बढ़ा रहा है। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ये मैंने मोड्स बताए वो, यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, छोटे छोटे दो कप्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, फ्रंट आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप यहाँ पे सामान रख पाएंगे। बाकी एक बार ग्लो बॉक्स चेक कर ले, यहाँ से ओपन होता है, तो काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स आप यहाँ पे दिया गया है, आपको काफ़ी सारा सामान रखने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट भी किया है, तो ये काफ़ी बड़ा है। स्पेस मैनेजमेंट के मामले में वैसे भी टाटा काफ़ी आगे रहता है। एक बार डैशबोर्ड चेक कर ले, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है, जो कि टाटा जाना जाता है सेफ्टी के लिए। IRM की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRM मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दिया गया है, यहाँ से सनरूफ ओपन करने के लिए दिया गया है, तो एक बार मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो आप देख ले ये ओपन हो चुका है, वन टच ओपन है। इसे हम एक बार अब वॉइस कंट्रोल से
करेंगे बंद, तो एक बार यहाँ पे आपको ऑन करना होगा। एक बार मैं इसे ऑन कर दूँ तो ये ऑन हो चुका है, और यहाँ से इसे प्रेस करना होगा। सनरूफ बंद कर दीजिए, तो ये सनरूफ बंद हो चुका है, आप देख लीजिए। वॉइस कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है, इसे आपको आज से ही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर एयरबैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ऑन और ऑफ़ है, यहाँ पे शो करेगा। तो इसे ऑन ऑफ़ करने के लिए वहाँ पे साइड में एक होल दिया गया, जिसका जो की में एक पार्ट पोर्शन दिया गया, जिससे ये ऑन ऑफ़ कर पाएंगे। बाकी ये रीडिंग लाइट एक बार देख ले, वाइट आपको मिलने वाला है। इसे बंद कर दे रहा हूँ ताकि वैनिटी मिरर एक बार चेक कर ले, तो आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। तो ये थी कुछ आगे की बात। एक बार मैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट है, तो मेरी हाइट है 5'8". तो पीछे एक बार देखेंगे कि आपको कितनी स्पेस मिलती है, हेडरूम लेगरूम वगैरह। तो चलिए चेक करते हैं पीछे की तरफ। ये है गाड़ी का रियर डोर, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ड्यूअल टोन कलर मिलेगा, गाड़ी का कलर से ये भी मैच करता है, तो वही आगे वाला यहाँ पे पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है, जो डोर हैंडल हैंडल है। बाकी यहाँ पे वाइट कलर में जो हैंडल दिया गया है ओपन और क्लोज करने के लिए, पावर विंडो, अप एंड डाउन बटन, थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह जरूर रख पाएंगे। यहाँ पे बॉटल रखने की स्पेस दी गई है, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग, ट्विटर की प्लेसिंग। तो यह है कुछ इसका रियर डोर, फ्रंट रियर डोर। बाकी एक बार सीटिंग देख ले, कुछ इस तरह की सीटिंग रहने वाली है। तो अभी हम एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि कितना आपको स्पेस मिलेगा। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। आगे की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो कुछ इतना मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। वाइड एंगल में देख ले, कुछ इतना स्पेस मुझे मिल पा रहा है, तो काफ़ी यहाँ पे बढ़िया मैं बैठ पा रहा हूँ। बाकी सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएंगे। एक बार मैं अपना हेडरूम भी दिख, तो कुछ इतना मुझे हेडरूम मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया मुझे। मैं 5'6" का बंदा हूँ, तो यहाँ पे मेरे से भी लंबा बंदा एक आ जाएगा, तो काफ़ी यहाँ पे सनरूफ होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हेडरूम मिल रहा है। एक बार सीट्स देख ले, फैब्रिक सीट्स आपको मिलेगी, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया जैसे आगे थी। आगे का हेडरेस्ट देख ले, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। पीछे भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड मिल जाएंगी। बेल्ट आप एक बार चेक कर ले, आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे। पीछे से एक बार व्यू देख ले, आपको पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हुक मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और वहाँ आगे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको हुक मिलेगा दोनों साइड, एक बार मैं दिखा दूँ आपको। बाकी है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। थाई सपोर्ट एक बार आप देख ले, काफ़ी बढ़िया थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो अभी हम एक बार ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं और फिर चलेंगे बाहर और सारी बात करेंगे गाड़ी की वारंटी, बिल्ड क्वालिटी, प्राइस वगैरह की। तो दोस्तों अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि पेट्रोल रहने वाला है, 3 सिलेंडर ये इंजन रहेगा। बाकी पावर की बात करूँ तो पेट्रोल में ये कार 118 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। माइलेज की बात करें तो 17.01 KMPL का माइलेज टाटा क्लेम करती है, जो कि इसमें आपको मिलेगा। अभी प्राइस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस AMT आपको 13,40,000 रुपये में एक्स शोरूम मिल जाएगा। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानने हैं तो आप यहाँ पे बड़ौदा के आसपास कहीं से भी है तो आप यहाँ पे ABC ऑटो लिंक में आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नई सफारी से लेकर नेक्सॉन EV से लेकर सारी गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और सर्विस एक नंबर रहने वाली है, जो कि सब लोग कहते हैं कि टाटा में सर्विस अच्छी नहीं मिलती। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया सर्विस यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसका मैं एड्रेस आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, नंबर भी छोड़ रहा हूँ, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे आकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो पुरानी नेक्सॉन ने ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 stars की कोर रेटिंग की थी, और ये उसमें 2 एयरबैग थे, इसमें अब 6 एयरबैग आ चुके हैं स्टैंडर्ड, यानी कि बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक बार इसकी फेंडर की नॉइज़ सुन ले, जो कि हमारे चैनल पर करते हैं, और एक बार इसका डोर का थर्ड भी सुन ले, तो कुछ इस तरह का आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। इसका क्रैश टेस्ट भी ज़रूर होगा, टाटा इसका क्रैश टेस्ट भी ज़रूर करेगा, जिसके बाद पता चल जाएगा। हालांकि नई हैरियर और सफारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इंडिया में, और ये कार भी तोड़ेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तो ये थी बात टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस मॉडल की। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।